दोस्तों बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल स्टॉक के बारे में। दोस्तों जियो फाइनेंशियल के अंदर जैसा कि मैंने कल बताया था दोस्तों कि रिवर्सल पूरा आने की संभावना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भाई बाई का भी मैंने बोला था कि बेकी टाइम आप बाई कर सकते हो गिरावट के अंदर, क्योंकि भाई ब्रोकरेज के टारगेट यहाँ पे अच्छे हैं। ऑल राउंड ब्रोकरेज बोल रहा है कि जियो फाइनेंशियल 400 प्लस निकल जाएगा। एंड सबसे बड़ी चीज दोस्तों मैं बताऊं बीके टाइम इसके भागने के पीछे की वजह, तो आपको हाल ही में अपडेट मैंने दिया था कि म्यूचुअल फंड में उतरने की ये कोशिश कर रहे हैं ब्लैक रॉक के साथ मिलकर। दूसरी सबसे बड़ी चीज अगर देखोगे दोस्तों तो अभी के टाइम आप IIFL जो फाइनेंस है उसको देख लो आप यहाँ पे, एंड जो JM फाइनेंस देख लो, इन सब पे भाई RBI अपना बुलडोजर चला रहा है। एंड इसी के साथ इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिल रहा है? जियो फाइनेंस को लग रहा है कि भाई जियो फाइनेंशियल को जो आपका RBI है भाई फिर से टॉप पे लाने की कोशिश करा, मतलब जिस सेगमेंट में ये काम कर रही है टॉप पे आने की कोशिश की जा रही है। तो अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे भाई तो अच्छा खासा बाउंस है, एंड आने वाले टाइम में जियो फाइनेंशियल की वैल्यू आपको फिर से एक टॉप लेवल पे जाती हुई देखने को मिलेगी। डाटा अगर बता दो भाई आज का तो 341 रुपए तक के आज के इंट्राडे हाई थे, यहाँ पे इंट्राडे हाई पे ही क्लोजिंग स्टॉक ही हुई है। इसका मतलब ये कि तगड़ा MOB के टाइम हमें देखने को मिलेगा, और देखा जाए तो 4,09,000 MO अभी के टाइम पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है। इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों तो 26% की डिलीवरी आज निकल के आ रही है कि 26% माल टोटली आज उठाया गया है। इम्पोर्टेंट चीज भाई कई लोग ऐसे हैं जो 370 375 सॉरी 370 360 के आसपास यहाँ पे बाई करके बैठे टोटली लॉस में। देखो लग नहीं रहा था कि मार्केट इतना गिर जाएगा, बट मार्केट ने कल बहुत तगड़ा झटका यहाँ पे दिया, एंड कल तो भाई बड़ी गिरावट थी। आज हल्की फुल्की रिकवरी है, और उन्होंने यहाँ पे देखा जाए मिड कैप जैसे गिरा था आज वैसे ही उठा है यहाँ पे। टोटली बता दूं मैं डाटा स्टॉक का तो अभी के टाइम आप देखोगे दोस्तों तो चार्ट आपके सामने है स्टॉक का, ये आज का चार्ट है। एंड इस चार्ट में आप देखेंगे दोस्तों मॉर्निंग के अंदर रिवर्स थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, इसके बाद एक बढ़िया बाइंग हमें देखने को मिली तो स्टॉक ऊपर गया, फिर टोटली पूरे दिन यहाँ पे कंसोलिडेट एंड अगेन थोड़ा नीचे आया, नीचे में ही क्लोजिंग हुई। अदर स्टॉक ने भाई आज यहाँ पे ऑल राउंड देखा जाए तो स्टॉक के हाई 339 तक आया था, एंड यहाँ पे से एक वो रिवर्सल करके एक स्टॉक ने 340 प्लस की अपनी आज की क्लोजिंग यहाँ पे रखी है। तो डाटा दोस्तों पॉजिटिव है, एंड यहाँ पे देखो दोस्तों अभी का अगर मैं डाटा बताऊं कि अभी करना क्या है क्या नहीं करना है, तो देखो मार्केट में भी कई बंदे ऐसे हैं जो बड़ा अमाउंट लेके बैठे हैं दोस्तों, सोच रहे कि इलेक्शन से पहले लगा दूंगा। देखो भाई गलती मत करना, थोड़ा रुको, ऐसी गिरावट और होने दो, एंड ऐसी गिरावट हो तब आप इन्वेस्टमेंट करो। जैसा कि कल गिरावट थी, कल मौका था डाउन, कल आप यहाँ पे अपना 30% अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते थे स्टॉक के अंदर। तो जब गिरावट होती है तो लगता है कि भाई ये तो रुकेगा ही नहीं, ये तो बहुत ज्यादा गिर जाएगा, एंड जब भाई तेजी आती है तो ऐसा लगता है कि भाई अब तो भाई गिरेगा ही नहीं, ये तो कभी ऊपर ही जाता रहेगा। तो भाई ऐसा ही होता है मार्केट में, तेजी कभी दोस्तों आपके साथ ही नहीं रहेगी, बट गिरावट ऑलवेज आपके साथ रहेगी। तो गिरावट को साथ ही समझो, एंड तेजी को टेम्परेरी समझ के मार्केट में एंटर किया करो, एंड तेजी टेम्परेरी ही रहती है। और ऐसे भी स्टॉक देखेंगे जैसा कि भाई जियो फाइनेंशियल को मान के चलो आप पिछले 6 महीने से जब से लिस्ट हुआ टोटली कंसल्ट कर रहा था, एंड अभी पिछले 10-20 दिन से अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा मोमेंटम इसमें बना हुआ है। तो इस चीज को आप समझो, इसको आप ऐसे मत समझो कि ये टोटली भागता ही रहेगा। और देखा जाए स्टॉक के डाटा को थोड़ा समझो, वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग देखो आज 7 करोड़ 7.5 करोड़ के आसपास शेयर यहाँ पे ट्रेड हुए हैं, जिसमें से अगर हम देखें तो दोस्तों जो 25-26% की डिलीवरी ऑर्डर यहाँ पे 1.5 करोड़ शेयर खरीदे गए हैं, तो टोटली 500 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट आज यहाँ पे किया गया है इस शेयर को ऊपर उठाने के लिए। तो फाइनेंशियली तो अच्छा है, देखो अगर आप यहाँ पे थोड़ा टाइम देते हो, अगर आपने 300 350 प्लस खरीदा है तो डेफिनेटली देखो हर एक स्टॉक ऐसा होता है कि अगर आप अच्छे स्टॉक में टाइम देते हो तो वो आपको मल्टीपल करके पैसा देता है, वो आप टाइम दो वो पैसा देगा। दो चीजें चलती है, पैसा तो आप दोगे दोगे इन्वेस्टमेंट तो करोगे, बट टाइम के अकॉर्डिंग दोस्तों पैसा बनता है मार्केट के अंदर। ठीक है, अब डाटा थोड़ा हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, हमारा व्यू रहना चाहिए हमें कब प्रॉफिट बुकिंग करनी है, क्योंकि बीबी कई लोग प्रॉफिट में है एंड कई लोग लॉस में, जिनको तो मैंने बता दिया भाई देखो गिरावट होती है थोड़ा एवरेज करना सीखो यार, एवरेज करोगे तो कहीं से देखो आप परफेक्ट नहीं हो सकते मार्केट में, जिस तो मैं बता रहा हूँ आप नहीं कोई भी नहीं हो सकता परफेक्ट नहीं हो सकते भाई, मार्केट एक बंदे का काम नहीं है, यहाँ पे हजारों लाखों करोड़ों बंदे काम कर रहे हैं, तो सारे की डिसीजन एक रहेंगे तो मार्केट एक दिशा में चलेगा, अगर सबके अलग अलग रहेंगे तो मार्केट में दोस्तों ये वोलेटिलिटी इसलिए तो बनती है क्योंकि भाई सबका डिसीजन एक नहीं रहता, कब कोई खरीदता है कब कोई बेचता है सबका भी अलग रहता है, कोई मंदड़ी होते हैं तो कोई तेजड़ी होते हैं, मतलब कोई तेजी में कमाते तो कोई मंदी में कमाते, ऐसा भी हो रहता है। अभी के टाइम 61 का RSI चल रहा है, मैंने बताया था कि रिवर्सल दिखेगा एंड यहाँ से सपोर्ट भी आपको दिया गया था, बट आज की दोस्तों नेगेटिविटी ये है कि भाई जो ब्रेकआउट बन रहा था ना स्टॉक का 340 के ऊपर, अगर ये क्लोजिंग दे देता तो यहाँ से लग रहा था कि भाई वापस से रिवर्सल कर जाएगा, बट भाई इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं, ये थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट अभी के टाइम लग रहा है। एंड आज स्टॉक की वॉल्यूम भी थोड़ी कम थी, जिस तरीके से भाग रहा था आज वॉल्यूम कम है। अब कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर कल भाई 340 प्लस क्लोजिंग रहती है तो ये एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, अगेन हमें स्टॉक की ऑल राउंड यहाँ पे
360 प्लस होता हुआ देखने को मिलेगा। तो वेट करो एंड थोड़ा भाई टाइम जिस स्टॉक को भी के टाइम देखेंगे, गिरावट तेजी गिरावट तेजी गिरावट तेजी है, मतलब ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है अभी के टाइम। तो वेट करें लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग थोड़ा सोचो, एंड अभी शॉर्ट टर्म में पैसा बन रहा है तो लेवल्स आपको दिए, प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हो। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को करो ताकि हर एक अपडेट टाइम टू टाइम